हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी। और इसमें बनने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एक कटोरी दूध है और कुछ बादाम को हमने बारीक काट के रखा हुआ है और चीनी है और ये दूध का जो है दूध को हमने इसका छीना बना के रखा हुआ है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दूध को हमने कढ़ाई में डाल के इसको उबाल लिया। ये देखिए, ये दूध में बॉल आ रहा है और इसी में हमने छेने को भी डाल दिया है। अब इसको दोनों को मिक्स करके हम इसको पकाएंगे। अभी जब तक के इसका दूध गाढ़ा होता है और ये मिक्स होता है तब तक इसको हमें पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, ये आपका दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसको हमें अच्छे से पकाना है। ये देखिए, अब जब इसमें थोड़ा सा पानी बचे अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी हम 5 से 6 चम्मच डाल रहे हैं। 6 चम्मच चीनी इसमें हम डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चीनी अपना पानी अलग से छोड़ती है, तो इसका पानी भी सूख जाने दीजिए और इसको 10 मिनट तक के इसको पकने दीजिए। 10 मिनट के बाद ये रबड़ी एकदम तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये आपकी रबड़ी तैयार हो गई है। अब हमें इसको डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम डाल दिए। आप इसमें कुछ भी मेवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।